अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा वेट कितना है तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, मेरा वेट है 60 किलोग्राम। क्या 60 किलोग्राम? साफ सी बात है, किलोग्राम से समझ में आता है कि भाई आप तो मास की बात कर रहे हो। मैंने पूछा है वेट, आप बता रहे हो मास। अभी क्या घपलेबाजी है? देखिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, वेट कुछ नहीं होता है, बस एक टाइप का फोर्स होता है जो अर्थ लगा रहा होता है सारे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ताकि वो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या होता है, वेट मास डब्ल्यू फॉर वेस वेट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मतलब कि एम फॉर मास और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चलिए ठीक है, टेक्निकली जो सही होता है ना उस तरीके से हम लोग चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वेट एक टाइप का फोर्स है, मतलब कि इसकी जो यूनिट होनी चाहिए थी न्यूटन होनी चाहिए थी, ठीक है। चलो इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरा जो मास है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 60 किलोग्राम होगा, आपके अकॉर्डिंग 60 डाला, और अर्थ पे क्या वेट ऑन अर्थ की बात करते हैं तो करते हैं जिसमें जी की वैल्यू 10 लेंगे। क्यों? जी की वैल्यू अर्थ पे ऑलमोस्ट 9.81 या कभी कभी 10 भी कहते हैं, 10 होती है। तो ये कहने का मतलब जो मेरा वेट आया है ना अर्थ के ऊपर 600 न्यूटन आया है। और आपको पता होगा ही जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होती रहती है। तो अभी के आपके हिसाब से क्या आ रहा है कि मेरा जो वेट है अर्थ पे 600 न्यूटन होगा, जो कि आप कहेंगे हाँ अब ठीक बोल रहे हो क्योंकि न्यूटन में बात कर रहे हो, राइट। बट अभी मैं चला जाता हूँ मून पे। किस पे? मून पे। और आपको जान के हैरानी होगी, मून पे जो मेरा वेट होगा क्या डब्ल्यू एम दैट मीन्स के मून पे वेट, वो अर्थ के कंपेरिजन पे 1/6 होगा। क्या 1/6 होगा? दैट मीन्स कि 600 से मल्टीप्लाई करने में दैट मीन्स कि 100 न्यूटन हो जाएगा मेरा वेट मून पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे 600 था और यहाँ पे 100 हो गया, दैट मीन्स कि 500 न्यूटन का घाटा हो गया। अभी तो आपको थोड़ा इतना ज़्यादा मतलब कि कुछ अजीब लग तो रहा होगा बट ज़्यादा फील नहीं हो रहा। चलो मैं फील कराता हूँ। अगर यही मेरी जगह क्या गोल्ड होता, सोना होता, अब सोचिए सोने की कितनी कीमत है। जहाँ सोना अर्थ पे होता 600 न्यूटन, आप इसको भेजते मून पे हो जाता ये 100। तो सोचने वाला सोचता जो लेके आया है सोना उसने घपलेबाजी की है 500 न्यूटन गोल्ड की, हो जाती इसी में डिशुम डिशुम, हो ना, मार हो जाती अच्छी खासी। तो बट ऐसा कुछ है नहीं, जो भी फर्क आ रहा है ना इसमें वेट का, वो जी की वैल्यू की वजह से आ रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन पे मून पे हो जाती है 1/6, इसीलिए इसका वेट भी 1/6 हो गया अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कोई लड़ाई ना हो, कोई डिशुम डिशुम ना हो, तो इसीलिए क्या है जब भी वेट पूछा जाता है तो मास बताया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो मास कभी कहीं चेंज नहीं होता है। और दूसरी बात, हमारे हमारा कंसर्न क्या है, हमारा मेन कंसर्न है कि जो भी हम लोग वेट की जगह मास बता रहे हैं, मास हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो गोल्ड का मास इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोल्ड का मास कहीं चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी मास का फॉर्मूले वैसे ना जी को हम लोग इग्नोर कर दिया करते हैं जब इस तरीके से हम टेक्निकली नॉर्मली पूछा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप आलू लेने जाते हो तो कहते हो भैया भैया कितना वेट, मतलब कि कितना वेट हो गया, तो बोलता है कि भैया 5 किलो आलू हो गया, क्योंकि उसका मास इंपॉर्टेंट है। ऐसे गोल्ड में भी जाओगे तो भले ही वेट की बात होती कितना वेट है इतने गोल्ड का, बट वो ग्राम्स या किलोग्राम्स में भी बात करते हैं, क्योंकि मास ये कह लो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ का, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई वेट पूछता है और आप मास में बात करते हो तो वो पूछना सही है, बट अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि वेट के फॉर्मूले में से जी को इग्नोर किया जा रहा है ताकि आपका मास सही से पता चल सके, अदरवाइज वेट तो चेंज होता रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए, थैंक यू।